बड़बोलेपन के लिए मशहूर बीजेपी के पुराने साथी डॉक्टर राजन सुशांत इन दिनों राजनीतिक तौर पर हाशिए पर हैं। वे वक्त वक्त पर कोई मुद्दा छेड़कर चर्चा में रहने का प्रयास भी करते हैं। डॉक्टर सुशांत बीजेपी में रहते हुए प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री भी रहे तो सांसद भी रहे, लेकिन राजनीतिक तौर पर असंतुष्ट होने के चलते बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में भी गए, लेकिन वहां भी दाल नहीं गली तो घर पर बैठ गए। अब बीते कुछ दिनों से राजनीतिक सक्रियता के तहत कुछ मसलों को उठाते हैं, उसी बीजेपी सरकार को निशाना बनाते हैं जिस पार्टी में वर्षों तक रहे। अब वही डॉक्टर सुशांत तीसरे मोर्चे के गठन की बात कर रहे हैं, नवरात्रों पर इसके गठन की घोषणा कर दी जाएगी। आइए सुनते हैं शिमला में आज उन्होंने क्या क्या कहा। प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, ये डबल इंजन की सरकार है। ये बड़े इंजन से ये छोटे इंजन में शिमला पहुंचते पहुंचते पता नहीं ये पैकेज कहां रुक गया है। ये सारी समस्या ऐसी समस्या है, इसलिए जरूरत है, ये बीजेपी फेल है इस मामले में, कांग्रेस फेल है, बारी लगाई हुई है। कुछ भी नहीं करेंगे तो लोग करेंगे, मजबूरी है। इसलिए आज प्रदेश की जनता इस पर सोचने पर मजबूर है, एक ऑप्शन दो हमें, उन्होंने हमें कहा है एक अल्टरनेट दीजिए, इसलिए हम क्षेत्रीय दल का गठन करने जा रहे हैं। आज जो हमारी मुख्य मांग है और आने वाला जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रीय दल होगा उसके एजेंडे में नंबर वन पर हमारी मांग है एनपीएस कर्मचारी, जिनकी वर्तमान में लगभग 1 लाख संख्या है और 2 साल में बढ़कर 1.5 लाख होने वाली है, इनको ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी जाए। और इसलिए मैंने कहा है ओपीएस लागू किया जाए, और जब तक ओपीएस लागू नहीं होता है तब तक मुख्यमंत्री आज ही ऑर्डिनेंस राज्यपाल महोदय से लागू करवाएं और विधायकों को भी एनपीएस के अंदर ले आएं। जो विधायक 2003 के बाद कर्मचारियों की तरह बने हैं उनके ऊपर भी एनपीएस लागू हो, ये मेरी मांग है। या तो रख सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।